नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोचा, जमकर की पिटाई, एक चोर भागने में रहा सफल। एमडीए के दौरान सभी विभाग अपने कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा सेवन कराने के लिए प्रेरित करने व दवा प्रशासक घर घर जाकर दवा पिलाने के उपाय करने एवं दीवार लेखन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण के लिए बैठक कर उपायुक्त ने दिए निर्देश। और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई गांव में बकरीद त्यौहार के मद्देनजर डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। विस्तार से मोबाइल व घरेलू सामान चोरी कर भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों दबोचा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्माटांड की है। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्माटांड गांव की है। इस संबंध में बताया जाता है कि कर्माटांड के लाल बिहारी महतो के घर से आधी रात को चोर घरेलू सामान व स्मार्टफोन चोरी कर रहे थे। इसी बीच घर के परिजनों को इसकी भनक लग गई और जाग गए। चोर को पकड़कर जमकर पिटाई की और सुबह को इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे बेंगाबाद पुलिस को ग्रामीणों ने चोर को सुपुर्द कर दिया। बताया जाता है कि इस चोरी की घटना को अंजाम देने में दो चोर सम्मिलित थे, वही एक चोर भागने में सफल रहा। पकड़े गए चोर की पहचान फुसरोडी निवासी दीपक मंडल के रूप में हुई है। पुलिस पकड़े गए चोर से पूछताछ कर रही है। साइकिल हुआ था, कब हुआ था? एक मोटर, कब हुआ था ये सब? एक साल हो गया। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल में सुन रहे हैं कि आपके घर में चोरी हुआ है? मोबाइल चोरी हुआ, कब हुआ है? बड़ा मोबाइल। कब चोरी हुआ है? एक बजे रात में चोरी हुआ है। वही दीपक चोरी किया है। अच्छा, उसके साथ और कोई बताया जा रहा है? दीपक रजक वो भी है ना। उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम से संबंधित एक बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा की। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक हुई, जिसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्र में 5 से 7 वर्षों तक वर्ष में एक बार डीईसी एवं अल्वेंडाजोल दवा वितरण करके फाइलेरिया पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को यह निर्देश दिया है कि चिकित्सक की अध्यक्षता में जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाए, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में बचा जा सके। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्र को ग्रीन जोन में परिणित होने के बाद घर घर दवा का सेवन कराया जाएगा। उपायुक्त ने महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं पोषण सखी द्वारा दवा के सेवन में सहयोग, आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जन समुदाय को दवा के सेवन के महत्व से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पंचायती राज तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया गया कि एमडीए के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराने के लिए प्रेरित करना, एनजीओ द्वारा अपने माध्यम से एमडीए कार्यक्रम में दवा सेवन कराने के लिए सहयोग करना। इस बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, भीड़ बीडी अधिकारी, जिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि सहित कई लोग उपस्थित थे। बकरीद के मद्देनजर एसडीपीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़िया खाद, पूर्णानगर, गादी से रामपुर में फ्लैग मार्च किया गया। गुरुवार को बकरीद त्यौहार के मद्देनजर मुफस्सिल क्षेत्र के बुढ़िया खाद, पूर्णानगर, गादी से रामपुर में एसडीपीओ कुमार गौरव की अगुवाई में मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर दलबल के साथ फ्लैग मार्च किए। ठीक है, ठीक है।
वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने बरमसिया में बने पार्क का नाम दिवंगत कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा वार्ड नाम से किए जाने को लेकर निगम में आवेदन दिया है। नगर निगम के वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा छोटन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने लेटर पैड पर बरमसिया चौक और बरमसिया में बने पार्क का नाम नरेंद्र सिन्हा के नाम पर करने के लिए नगर निगम को आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही निगम की बोर्ड बैठक या स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पारित कराने का प्रयास करेंगे। श्री नरेंद्र सिन्हा छोटन जी जो कि हमारे बड़े भाई के समान थे, उनके एकाएक चले जाने से हम लोगों को आघात पहुंचा है। वह हमेशा हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते थे, हम लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते थे, और जब भी किसी को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति भी अगर कोई रहता था, उनको भी जब ज़रूरत पड़ता था तो वह हमेशा तत्पर रहते थे। इस लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन उनके एकाएक चले जाने से हम लोगों को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। इसलिए उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग जो सवेरा चौक है उसको उसका नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन चौक और जो चिल्ड्रन पार्क बरमसिया में है उसका नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन चिल्ड्रन पार्क करने का प्रस्ताव हम सभी पार्षद लोग इसका जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग या अगर ज़रूरत पड़े तो स्टैंडिंग कमेटी का बैठक में जल्द से जल्द पास करवाने का काम करेंगे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पचम्मा थाना क्षेत्र के पांडेडी गांव के दलित परिवार ने उपायुक्त को आवेदन देकर जमीन पर दखल दिलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जबरन उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। पचम्मा थाना क्षेत्र के पांडेडी गांव के प्रमोद तुरी प्रेम तुरी समेत दर्जनों परिवार ने उपायुक्त को आवेदन देकर जमीन पर दखल दिलवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 1985-86 में सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को पट्टा दिया गया था, लेकिन गांव के कुछ लोग कब्जा कर बैठे हैं। कुछ लोग बोलता है कि हमारा जमीन है और हम लोग बोलते हैं हमारा है, तो हम लोग को सरकार दिया है पट्टा, वही दिखाने आए हैं। हम लोग डीसी आए कि हम लोग अगर जमीन है तो मतलब हम लोग को दिया जाए। कितने लोगों का जमीन है वहाँ? करीब 15 जन का है जमीन, 15-16 जन का है। कौन मना कर रहा है? हाँ, रफी कांता और है उसका भाई लोग, बटिया भाई सब है। हम लोग चाहते हैं यही कि हम लोग को जमीन जो दिया गया है सरकार शुरू से, हम लोग को दिया जाए, नाप के दिया जाए, नया इंसाफ हो। सीसीएल क्षेत्र के पत्रोड़ी के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सीसीएल क्षेत्र के पत्रोड़ी गांव में मोहम्मद मुशर्रफ के घर से मोहम्मद निजाम के घर तक की सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों ने की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण नहीं होने से बरसात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा बात है, देखिए ये रोड की हालत इतनी जर्जर है जो कि हम लोग विधायक जी को लिख के दिए थे, माननीय विधायक जी सुदीप कुमार सोनू जी को, कि मुशर्रफ के घर से लेकर और फरीद के आवास के आगे तक के जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ तक के रोड की जर्जर इतनी हालत ख़राब है कि कभी भी लोग कितने लोग गिर जाते हैं, पैर पिछल जाता है वर्षा के कारण। लेकिन माननीय विधायक जी भी 3 बार मुखिया शंकर उर्फ बबलू दास को खबर किए, बुला के भी बोला, लेकिन आज तक के कोई इस पर केयर नहीं किया। और जितना हम लोग ने अल्पसंख्या के मुसलमान भाई और जनता ने जिस तरह से विधायक महोदय को मेहनत मशक्कत से मैंने जिताया है, मेहनत करके, और मुखिया शंकर दास बबलू को भी मैंने जिताया है, तो लेकिन ये रोड का लाभ नहीं मिल रही है। बहुत से पत्रोड़ी में ऐसे प्रधानमंत्री आवास के तहत सरकार जो दे रही है, लेकिन आज बहुत से लोग जिसको मिलना चाहिए आज उसको नहीं मिला। आप इसको इंक्वायरी कर सकते हैं, आप घर की उसकी क्या हालत है, क्या कैसे सो रहा है, कैसे मकान गिरा हुआ है,
इसको भी मुखिया को लिख के दिया गया है, वीडियो को लिख के दिया गया है, विधायक का रिकमेंड से दिया गया है, लेकिन आज तक उसका कोई खबर नहीं है। मैं अपने माननीय विधायक जी से मांग करते हैं, हम अपने झारखंड के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, अपने मुखिया शंकर दास और बबलू से भी मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस समस्या को रोड को बनाकर और पब्लिक को जीने का सुविधा दे, चलने का सुविधा। देवरी थाना क्षेत्र के बरजोडी में सिंह ड्रग स्टोर का उद्घाटन धूमधाम से किया गया, मौके पर कई गणमान्य मौजूद थे। देवरी थाना क्षेत्र के बरजोडी में गुरुवार को सिंह ड्रग स्टोर का उद्घाटन विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य भी मौजूद थे। उद्घाटन मौके पर स्टोर संचालक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि इलाके में एक भी दवा दुकान नहीं रहने से ग्रामीणों को परेशानी होती थी। सेवा भाव के साथ उन्होंने दवा दुकान खोला है और जल्द मेडिकल स्टोर में अच्छे डॉक्टर भी लोगों तक अपनी सेवा देंगे। पंचायत बेड़ोडी में आज दिनांक 30/7 को मेरा दुकान सिंह ड्रग स्टोर के नाम से ओपनिंग किया गया। यहाँ की जनसंख्या 5,000 से कम है, इसके कारण यहाँ के मुखिया जी और यहाँ के लोकल पब्लिक लोग के बात को रखते हुए हम मेडिकल ओपनिंग किए हैं। और इससे आगे क्या उद्देश्य है? और यहाँ का जनता लोग का सेवा के लिए हम डॉक्टर को भी आमंत्रित करेंगे और डॉक्टर भी यहाँ पे बैठेंगे। का ये बरजोडी गांव है, बेड़ोडी पंचायत में हमारी आबादी तकरीबन 5,000 से अबव है और यहाँ लोगों को दवाई खरीदने के लिए 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। बहुत दिनों से हम लोगों की मांग थी कि जब यहाँ एक मेडिकल की सुविधा हो जाए और कहीं दूर दराज से के लोगों को यहाँ सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। तो ये हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। यहाँ के हमारे माननीय मुखिया और मुखियापति के सराहनीय कार्यों के द्वारा, हाथों के द्वारा और हमारे प्रमोद कुमार के द्वारा विभागीय सूचना के आधार पर यहाँ मेडिकल स्टोर स्थापित किया गया, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा आने वाले दिनों में और वर्तमान में मिलनी शुरू हुई। वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व परेशान है। सरकार व प्रशासन का हर महकमा अहर्निस इसके समाधान के उपाय में लगे हुए हैं। वहीं कुछ गैर जिम्मेदार लोग अफवाह फैलाकर लोगों को भयाक्रांत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी किसी डॉक्टर, पुलिसकर्मी, अधिवक्ता, समाज सेवी के बारे में गलत अफवाह फैलाकर समाज को दिग्भ्रमित करने से बाज नहीं आते हैं। यह जानते हुए कि इस तरह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बिना पूरी जानकारी प्राप्त किए कोरोना संक्रमित बताना अपराध है। इसके लिए कई कानून बनाए गए हैं जिसमें दंड का भी प्रावधान है, फिर भी अफवाह फैलाने वाले इससे बाज नहीं आते हैं। जो अपने सेवा से समाज को लाभान्वित कर रहे हैं उनके बारे में गलत अफवाह फैलाना सर्वथा निंदनीय है। डॉक्टर, वकील, पुलिस, थाना या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में बिना सत्य जाने ऐसी निंदनीय बातें करना सर्वथा अनुचित है। बीमारी किसे नहीं होती, डॉक्टर की जरूरत किसे नहीं होती, वकीलों की जरूरत किसे नहीं पड़ती, पुलिस व प्रशासन से मदद किसे नहीं चाहिए, समाज सेवियों की जरूरत किसे नहीं होती। ये हमारे समाज के ऐसे अंग हैं जिनके बारे में गलत प्रचार करना अनुचित है, इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि अफवाह ना फैलाएं। एक जिम्मेदार नागरिक बने, गलत अफवाह फैलाकर किसी को मानसिक संताप ना दे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। और कुछ दिनों से यहाँ गिरिडीह में काफ़ी चर्चा चल रही है कि मुझे कोरोना हो गया है। इसके बारे में पहले भी एक बार समाचार माध्यम से मुझे भी जानकारी मिला था कि मुझे शायद कोरोना हो गया है। फिर अभी पुनः आज एक अखबार में निकला है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो मैं गिरिडीह वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा टेस्ट हो चुका है जो कि निगेटिव पाया गया था और स्वस्थ रहने के वजह से ही मैं अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो भी मरीज मेरे पास से आकर दिखा कर गए हैं या जो मुझसे मिले हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर में भी, उन्हें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी पूरी टीम स्वस्थ है और स्वस्थ रहते हुए ही हम लोग स्वस्थ तरीके से काम कर रहे हैं। और मेरा एक निवेदन है मीडिया वालों से भी और शहर के बाकी लोगों से भी, अगर किसी को किसी भी तरह का
कंप्लीट जानकारी नहीं हो, आप कंफर्म नहीं हो, तो इस तरह का न्यूज या खबर ना फैलाएं। इससे बिना मतलब का ही लोगों के बीच भ्रांति फैलता है और लोगों में एक तरह का भय का वातावरण उत्पन्न होता है जो कि कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, ये मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन वो इस रूप में नहीं हो कि उस अफवाह के वजह से लोगों का फायदा के बजाय नुकसान ही हो जाए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।